खबर तमिलनाडु में चक्रवात मेंडूस का असर देखने को मिला है। तूफान के बीच चेन्नई से कई फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि बड़ा तूफान है ये। थोड़ी देर में उत्तरी तमिलनाडु से गुजरेगा मेंडूस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच के तटीय क्षेत्र से भी ये होकर गुजरने वाला है और इस वक्त अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आपको बता रहे हैं कि इस वक्त चेन्नई से कई फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं। लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। हालांकि स्कूल कॉलेज आज बंद है। प्रशासन की तरफ से पहले ही ये फैसला ले लिया गया था लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर जब गुड मॉर्निंग डे प्रोग्राम में आपको जानकारी दे रहे हैं तो लगभग 9 बजे के आसपास ये टकरा सकता है और कहा जा रहा है कि तो उत्तरी तमिलनाडु से होकर ये गुजरेगा जब दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में पहुंचेगा और भारी तबाही भी मचा सकता है। जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि आपको बता रहे हैं कि ऐसे कई तूफान आए हैं जिन्होंने तबाही मचाने का काम किया है। बात चाहे फिर पश्चिम बंगाल की करें या फिर बात करें हम तटीय इलाकों की तो वहां पर ऐसी स्थिति अक्सर हम देखते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उत्तरी तमिलनाडु से गुजरेगा मेंडूस क्योंकि इसका नाम मेंडूस है और ये भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। फिलहाल जब खबरों को हम लगातार आपको बता रहे हैं तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और उसके बाद कुछ अहम जानकारी आपको देंगे। दरअसल उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में शीतलहर से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों का जिक्र करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से खबर है कि रैन बसेरों में कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। लेकिन इसकी सच्चाई हमारे संवाददाता कुछ देर में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन माइनस में टेम्परेचर पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर पहुंच रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई थी। मुगल रोड भी प्रभावित हुआ था। लेकिन आज की अगर बात करें तो मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि तकरीबन एक हफ्ते और कड़ाके की ठंड पड़ेगी मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर बर्फबारी की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है कि केदारनाथ में बारिश हो सकती है, संभावना है, और बर्फबारी की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल